सीधा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार काम कर रही है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई काम कर रही है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन अब यही लोग होगा। ज़्यादा 3200 के करीब रेड हुआ और 3200 रेड में 95% रेड विपक्षी नेताओं के यहाँ हुआ। पानी सर के ऊपर चली गई, क्या स्थिति मान रहे सर? उपयोग का जो सीमा है वो कितना पार कर लिया गया? ये तो सीधा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार काम कर रही है। मैं आपको अगर याद होगा तो उस दिन महागठबंधन की रैली में भी मैं इस बात को उठाया था कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई काम कर रही है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन अब यही लोग हो गए हैं। हम लोगों का भी 10 साल का यूपीए का शासनकाल था मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, 110-112 रेड हुआ ईडी का और आज तो 3100 से भी ज़्यादा 3200 के करीब रेड हुआ और 3200 रेड में 95% रेड विपक्षी नेताओं के यहाँ हुआ। सबसे ज़्यादा कांग्रेस पर हुआ, फिर एनसीपी पर हुआ, तृणमूल पर हुआ और प्रायः सभी जो राजनीतिक पार्टियाँ उनसे अलग काम करती हैं सबको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान कैसे बचेगा? बीजेपी कह रही है कि जो रेड हो रही है उसमें मामले भी सामने आ रहे हैं, जो गड़बड़ी कहते हैं, इसमें रेड में दिक्कत क्या है जब सामने गड़बड़ी सामने आ रही है? तो यही है, ऐसे ही अगर देश चलना है तो फिर चले, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा उन्हीं का शासन रहेगा, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो उनके पॉलिसीज के खिलाफ जो बोलना चाहता है उसको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 17 में कार्रवाई हुई थी, 5 साल बाद फिर से कार्रवाई हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी के घर पर जो कार्रवाई हुई 5 साल बाद हुई, 2017 में हुआ था। हाँ, क्योंकि यहाँ सेकुलर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया और उसमें आरजेडी की प्रमुख भूमिका है, इसलिए फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश क्या लगता है, सफल हो पाएगी इस तरह की अगर कार्रवाई से? कोई किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के जो लोग हैं वो बता देंगे कि क्या किसकी क्या हैसियत है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो चीज़ जेडीयू के लोग लीक कर दिए थे पहले, उसी पे तो अब कार्रवाई हो रहा है, तो दिक्कत क्यों है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, दिक्कत उनको आने वाली है चुनाव में। अब अभी लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा अपना सैडिस्टिक प्लेजर अगर इंजॉय कर रहे हैं लोग, तो पता चलेगा 2024 में। चुनाव आने दीजिए ना। ठीक है।